सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने दिया पाकी को वार्निंग, साथ ही अनुपमा ने डिम्पी को भी सबक सिखाया। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को शब्दों को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल अनुपमा सीरियल का एपिसोड दिन ब दिन काफी धमाकेदार होते जा रहा है, जहां हम सब ने देखा कि जिस तरह से अधिक एक्सपोज्ड हुआ, मुझे तो लगा था कि अब अधिक सीधे जेल के पीछे जाएगा, लेकिन अधिक तो है बरखा का भाई। चाल चलने में अधिक भी वाकई काफी शातिर दिमाग का है। तो अधिक ने ऐसे पाकी को घुमा लिया कि पाकी सब कुछ भूलकर अधिक को अब माफ कर दी है। तो आपको बता दें कि डिनर टेबल पे हम सब देखते हैं कि किस तरह से अधिक पाकी मतलब फेक लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। अधिक का तो देख के लग ही रहा है कि वो फेक है, लेकिन पाकी जो है वो अधिक के बात में आ गई है, वो पूरी तरह से घूम गई है अधिक के बातों में। जहाँ हम सब ने देखा कि किस तरह से अनुज ने अधिक को ब्रेक लेने के लिए कहा, तो वही पाकी कहती है कि मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अधिक कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से अनुपमा जो है वो भड़क जाती है काफ़ी पाकी पे और कहती है ये तुम दोनों जो फेक दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो मत दिखाओ। साथ ही जब पाकी अनुपमा से फिर पूछती है कि उन्होंने भी तो वनराज की गलती को माफ़ किया था, तो पाकी क्यों ना अधिक की गलती को माफ़ करे। जिस पे अनुपमा ये कहती है पाकी से कि कोई युद्ध अगर जीत जाता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो खुद हारा रहता है उसे कैसे माफ़ किया जा सकता है। तो अनुपमा जो है वो पाकी को समझाने की कोशिश करती है कि अधिक जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बस वो जेल के में ना जाना पड़े इसलिए वो ये सब ढोंग कर रहा है। वेल, आपको बता दें कि अधिक के शातिर दिमाग के हिसाब से अब ये चल रहा है कि वो पाकी को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा ताकि चाह के भी पाकी अधिक से छुटकारा ना पा सके, अधिक से पीछा ना छुड़ा सके। तो जो भी होगा वो अपकमिंग एपिसोड में तो पता चल ही जाएगा। अगर बात करें डिम्पी की, तो डिम्पी को भी अनुपमा ने सबक सिखाया है। जहां हम सब ने देखा कि किस तरह से डिम्पी के कहे अनुसार जो है वो बंटवारा हो गया है घर का, सब अलग रह रहे हैं और डिम्पी और समर अपना अलग रह रहे हैं। जहाँ डिम्पी ज़्यादातर खाना बनाती है नहीं, समर को तो बाहर खाना खिला देती है, तो वहीं अब डिम्पी बाहर से ऑर्डर करती है, ब्रेड वगैरह कुछ खाती है। तो आपको बता दें कि अब अपकमिंग एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि डिम्पी का लाइट कट जाता है। शास ने तो अपने लाइट बिल भर दिए, लेकिन डिम्पी पैसे ना होने के कारण उन्होंने नहीं भरा, जिस वजह से डिम्पी बात से कहती है कि फिलहाल समर घर पे नहीं है तो आप ही लाइट बिल भर दो। इसी पे अनुपमा भड़क जाती है। अनुपमा डिम्पी से कहती है बंटवारा करने का फैसला किसका था, कौन अलग होना चाहता था, तो तुम ही लाइट बिल भरोगी। तो अब देखते हैं कि डिम्पी क्या कुछ करती, क्योंकि इस वक्त जो है शो में डिम्पी खुद को काफ़ी अकेला फील कर रही है, तो क्या पता अकेले रहकर डिम्पी का थोड़ा सा दिमाग का बत्ती खुल जाए, थोड़ी सी वो सुधर जाए और सबके साथ में एडजस्ट करे। तो जो भी होगा अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, लेकिन फिलहाल अनुपमा की ज़िंदगी काफ़ी कश्मकश से भरी हुई है। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे, आपको क्या लगता है पाखी को अधिक के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलते देना चाहिए, कमेंट में हमें बताएं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप तो।